नमस्कार, मैं संतोष शर्मा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बुधन वसु नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र के बारे में चर्चा करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नक्षत्र। नक्षत्र रेडिएट करते रहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, आपको जो प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको प्रभावित करती है। नक्षत्र के बारे में जानना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे आपके हस्बैंड हैं या आपकी पत्नी है, आपको बेटा है, बेटी है, प्रेमी है, संबंधी है, आपके अंडर काम करता है, आपका बॉस है, यदि आप जानते हैं कि उनका नक्षत्र क्या है तो उनके बारे में बहुत कुछ आप जान सकते हैं। उनके स्वभाव कैसा है, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार का व्यक्तित्व उनका है, तो इससे फायदा यह होता है कि आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। उस बंदे को समझ सकने से क्या होता है कि रिश्तों में, क्वालिटी में, संबंध के क्वालिटी में बढ़ोतरी हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि जब तक हम किसी को समझते नहीं है तभी परेशानी होती है। जैसे उसके बारे में जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि भाई इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, तो या तो हम उसको ऐसे स्वीकार करें, क्योंकि बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नक्षत्र की जो प्रोग्रामिंग होती है, ये समझिए कि ये आप लेके पैदा हुए हैं और इसके साथ ही आप दुनिया से जाएंगे। थोड़ा वो ट्विक कर सकते हैं, वो भी जिसका ये स्वभाव है वो खुद करना चाहे तो आप नहीं कर सकते ज्यादा कुछ। इतना समझिए कि जैसे उदाहरण के तौर पे आज हम चर्चा करने वाले हैं पुनर्वसु व्यक्ति के बारे में। पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल, एक ही नक्षत्र के दो स्वभाव के, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से मेल फीमेल बराबर होते हैं। नहीं, जैसे आपके ट्विंस हैं, बेटा और बेटी हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, कुंडली एक समान है, तो फिर कैसे फर्क करेंगे? नक्षत्र का प्रभाव लड़कों में अलग होता है, लड़कियों में अलग होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आपको इसके बारे में पता ना हो। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जो होते हैं ये गॉड फियरिंग होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, ईश्वर विश्वासी। आप कहते हैं कि ईश्वर घिरु, दे स्केयर्ड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, बचपन में ऐसे होते हैं, स्वभाव के नरम दिल के होते हैं, मदद करना चाहते हैं लोगों की। लेकिन इनमें एक चीज ऐसी घटती है कि लोग आगे चल के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं मेल्स की, पुरुषों की बात कर रहा हूं अभी। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, बचपन में बहुत रिलीजियसली इंक्लाइंड होते हैं, धर्मभीरु होते हैं, ईश्वर विश्वासी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और ट्रेडिशंस को मानने वाले होते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो इनके स्वभाव में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई बचपन में तो ये ऐसा नहीं था, ऐसे कैसे हो गया ये? होता ये है कि बड़े होते हैं तो इनके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। फिर बोलते बचपन में तो बहुत शांत था, ये पूजा पाठ करता रहता था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, अब बड़ा हो गया तो इसको इतना गुस्सा क्यों आता है? लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के जो मेल होते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है, तो बड़े होके इनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये गुस्से वाला स्वभाव जब बन जाता है तो ये रिश्तों में दरार बनाने का काम करता है, झगड़े हो जाते हैं संबंधियों से, दोस्तों से, शादी हो चुका है तो पत्नी से। तो कह सकते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों की शादी में काफी सारी अड़चनें आती हैं इनके परिवर्तित स्वभाव के कारण। दूसरी बात, ये तो होते हैं ऐसे कि संतोषी, संतोषी मतलब जो भी छोटी मोटी चीजें, कंफर्ट्स वगैरह है, उसमें संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कभी कभी इनके मन में ऐसी आकांक्षाएं और ऐसी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि बहुत बड़ा कंफर्ट चाहिए, एकदम सोचने लगे कि मर्सिडीज बेंज हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा बंगला हो जाना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा दौर आता है या दौरे पड़ते हैं, या ये सोचिए कि उनके मन में ये उबाल आता है कि ऐसी चीजें हो जानी चाहिए, बहुत बड़ी चीजें जिसकी बात करते हैं। इनके जो
ग्रह हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह इनको कंट्रोल करते हैं और ये बृहस्पति के अंडर आते हैं, इन द सेंस कि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर काफी होता है। इनका लकी नंबर होता है 7 होता है, और इनका जो लकी जेमस्टोन की बातें करें तो ये होता है येलो सफेद पुखराज। लेकिन ध्यान रहे कि मैं हरदम कहता हूं कि जब तक कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण ना हो उसके हिसाब से ही आपको स्टोन्स वगैरह पहनना चाहिए। इनको ग्रे कलर ज्यादा सूट करता है और इनका जो फेवरेबल नंबर है ये है नंबर 3, और इनका जो फेवरेबल या लकी प्लांट होता है वो होता है बैम्बू या बांस हम कह सकते हैं। और ये होते हैं वात प्रधान, मतलब इनका मन उड़ता रहता है, चंचल स्वभाव के होते हैं, और इनका तत्व होता है जल तत्व के होते हैं ये लोग। इनके जो नक्षत्र के जो लकी अल्फाबेट्स होते हैं ये होते हैं के और एच, और नाम के बारे में बात करें यदि का नाम कुछ धरना चाहते हैं रखना चाहते हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं कोई काम करना चाहते हैं तो होता है के को ह और ही दीर्घई ही, इसमें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इनमें शक्ति होती है पैसे कमाने की, वेल्थ क्रिएट करने की होती है, क्योंकि इनकी वृत्ति जो होती है इनका जो स्वभाव होता है ये वैश्य स्वभाव का होता है। वैश्य स्वभाव का मतलब ये हुआ कि फायदे देखते हैं चीज़ों में, नुकसान नहीं करते चीज़ों की, पैसे की इस्तेमाल ठीक ढंग से करते हैं, थोड़ा सेविंग भी कर लेते हैं। तो वैश्य स्वभाव होने से ये देखते हैं कि हर एक चीज़ में जो है किस प्रकार से इनको फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है देखा जाए तो। व्यावहारिक होते हैं ये लोग और इनको संतुष्टि मिलेगी जीवन में, सब चीज़ों की वृद्धि होगी और सक्सेस भी मिलेगा यदि ये पूजा करते हैं लॉर्ड शिवा का, शिव जी के ध्यान करने से इनको बहुत सारा फायदा होगा। यदि आप लड़की हैं या किसी को जानते हैं जो कि लड़की है, महिलाएं हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो उनके स्वभाव किस प्रकार से होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, एक तो काम नेचर की होती है, शांत स्वभाव की तो होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर लेती हैं, वाणी में संयत नहीं रहती हैं और कुछ ऐसी बात निकल जाता है, कहते ना कि निकला हुआ तीर और निकला हुआ शब्द वापस नहीं आते, इसका ख्याल नहीं करती, ऐसे तीखे वचन बोल देती हैं कि दूसरों को आहत कर देती है। इन्हें याद रखना चाहिए कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपाय खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो, ये हरदम ध्यान रखना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र की लड़की जो होती है इनको ध्यान रखना चाहिए कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी बहुत कटु वाणी बोल देती हैं जिससे संबंध खराब हो जाते हैं, स्पेशली विद द इन-लॉज, मदर इन-लॉ के साथ में, सिस्टर इन-लॉ के साथ में प्रॉब्लम हो जाता है, हस्बैंड से भी इनका प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हस्बैंड को तो संभाल लेती है, जो जिसको रेस्पेक्ट करती है तो फिर उसका सम्मान बरकरार रखती है, तो हस्बैंड की जो बातें हैं वहाँ तो वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन इन-लॉ से प्रॉब्लम होता है और पड़ोसियों से भी इनका संबंध बड़े खराब हो जाते हैं। जैसे ससुराल में जो रिलेशन में लोग होते हैं उनसे इनका संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं वाणी के कारण, तो वाणी का कंट्रोल करना चाहिए। इनको कंफर्ट्स का बहुत शौक है, मतलब सानो शौकत से रहना चाहती हैं ऐसी महिलाएं, तो नौकर चक्कर रखेंगे, घर में सब सुविधा होनी चाहिए, फ्रिज एसी टीवी जो जो लग्जरी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का इनका बहुत शौक होता है। ये फिलोसॉफिकल होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, अच्छी बोल सकती हैं, अच्छी सोच सकती हैं, इनको म्यूजिक का बहुत शौक रहता है, डांस वगैरह में करने में माहिर होती हैं, सीखने से इनको अच्छी सफलता मिलती है। बहुत सारे जो डांसर्स हैं, लेडी डांसर्स हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र से ही आती हैं। स्वभाव में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत जल्दी बोर हो जाती है ये लड़कियाँ, तो यदि आप पुरुष हैं, प्रेमी हैं, हस्बैंड का ध्यान रखें कि थोड़ा सा वैरायटी की जिंदगी में लाने चाहिए, कोशिश करें कि कोई वैरायटी दे, मोनोटोनस जिंदगी से ये उब जाती है, थक जाती है, तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी अनस्टेबल माइंड की होती हैं, तो इनको चेंजेस इतने चाहिए होते हैं, तो फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज भी करती हैं, करियर चेंज भी करती हैं, और संबंधों में भी थोड़ी सी
ये चेंजेबल नेचर की होती है, तो ध्यान रखें इनका स्वभाव है, दोष नहीं है, ये प्रोग्रामिंग ऐसे ही है, तो इस प्रकार से इनका होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र की जो लड़कियाँ होती हैं, ये जैसे बताया मैंने कि चाहती हैं कि घर में नौकर चाकर रहे, सब प्रकार की सुविधाएं घर में रहें, तो अगर हस्बैंड हैं या प्रेमी हैं तो ध्यान रखें कि इन चीज़ों के प्रति उदासीन ना हो, और आप इंश्योर करें कि घर में सब प्रकार की सुविधाएं हों, तभी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, ये अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती हैं, इसलिए बार बार बीमारी पड़ती हैं, तो ये भी एक टेंडेंसी होती है। तो जो भी पुनर्वसु नक्षत्र की लड़कियां हैं, यदि आप उनमें से एक हैं, तो ध्यान दें कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि आप अपना सेहत का ख्याल खुद नहीं रखती हैं, एनेमिया हो सकता है और बहुत प्रकार की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हो सकती हैं, डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपना सेहत का ध्यान रखें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, नहीं तो आपको इस वजह प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस प्रकार के स्वभाव होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुषों के और स्त्रियों के। इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें, एक दूसरों को समझने की कोशिश करें, और ये जानें कि ये प्रोग्रामिंग जो है, ये प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती। जो मैंने बताया कि पुखराज स्टोन पहने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करना जरूरी है, यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कोई इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9845124158। अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट करें 8884985444। ये सभी डिटेल्स वेबसाइट में दिया गया है www.whitelotusspirituality.com। मैं संतोष शर्मा, नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल के अन्य नक्षत्रों के बारे में, राशियों के बारे में और बहुत सारी जानकारी जो है, हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। रेगुलर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप बेल बटन भी जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और ज़िंदगी खुल कर जिए। ऑल द बेस्ट।